Now, meanwhile, let's get you all the political reactions also on Kejriwal's arrest and his decision to remain as the chief minister. Atishi, Delhi minister, has once again reiterated that Kejriwal will remain the chief minister and will run the government from behind bars, from jail. BJP, therefore, has slammed the Aam Aadmi Party, saying that the party has lost its moral ground to continue to run the government. Manoj Tiwari, BJP MP, has said that such activities are characteristic of a gang and not of a government. He further said that he was shocked to see AAP's audacity and lack of shame. Manjinder Singh Sirsa called it a political drama and asked why was Kejriwal not worried about the people of Delhi. He further asked why was he indulging in such corrupt activities. Now also the BJP is putting the onus on Congress to clear their stand on corruption or whether they back or oppose Kejriwal. The India bloc, meanwhile, has decided that they'll be holding a mega rally in Delhi in just a few days from now on March 31st in solidarity with Kejriwal. ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है कि ये इतने निर्लज्ज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं मानस से, मस्तिष्क से, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। तुम गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हो। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगे, क्या यह संभव है? इसलिए मेरा मानना है, एक तो नैतिकता के आधार पर, दूसरा कानूनन आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए, कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मगर संजय निरुपम ने भी कल ट्वीट किया है अपनी दिल की आवाज। आप लोगों के दिल में आवाज कुछ और है, और सत्ता पाने की चाहत में जुबा पे आवाज कुछ और है। आतिशी जी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और नौटंकी कर रही हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से ऑर्डर भेज दिया है, सरकार जेल से चलेगी। और उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है दिल्ली के लोगों को सीवरेज और पानी की दिक्कत आ रही है, आतिशी इस पे सरकार बैठक बुलाए और एलजी साहब से बात करे। कितने शर्म की बात है, ये केवल और केवल सहानुभूति लेने के लिए कर रहे हैं। जब इनके पास कुर्सी थी मुख्यमंत्री की, तब तो इन्होंने पानी और सीवरेज की चिंता ना की, तब तो लोगों को शराब बांट रहे थे, एक के साथ एक बोतल फ्री में दे रहे थे। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ईडी की गिरफ्त में हैं, वहां परिंदा पर नहीं मारता। बताइए अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता चला? ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। क्यों? राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई। क्या मजबूरी है केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे
पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से चुनाव की वर्ड्स के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है, सबसे बड़े विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो दिल्ली हो, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है चुनाव डिक्लेयर होने के बाद। जबकि नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जब चुनाव डिक्लेयर होता है उसके बाद चुनाव आयोग इन सब चीजों का ध्यान में रखता है, और हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है जाके चुनाव आयोग से कह के भी आया है। जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेगा, जिसको तमाम घटक दल के नेता जो है संबोधित करेंगे।